जैसे देखिए, कुछ कंपनी के स्मार्टफोन्स ऐसे होते हैं कि जब भी उनकी नई सीरीज आती है तो यूजर को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, और खास तौर से कैमरा डिपार्टमेंट में तो स्मार्टफोन्स काफी अच्छे काम करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज के बारे में, और यहाँ पर आईफोन की जो लेटेस्ट सीरीज आती है उसके बारे में भी। ऑब्वियसली काफी सारे चेंजेस कंपनीज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है अपनी नई सीरीज में, लेकिन जो मेजर डिपार्टमेंट रहता है वो इसका कैमरा रहता है और साथ ही में इसका परफॉर्मेंस रहता है। अब यहाँ पर देखिए, काफी टाइम के बाद सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को लेके एक जबरदस्त लीक निकल के आई है इसके कैमरा डिपार्टमेंट में, और ऑब्वियसली इस लीक के थ्रू हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि भाई किस तरीके का कैमरा जो है ना दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में। और गाइस मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि जब से ये लीक मैंने देखी है मुझे जो है ना दोस्तों बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। इसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्यों डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, जब मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन गाइस उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर। देखिए आप वीडियो को देखते हो लेकिन आप वीडियो लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इससे जो है दोस्तों बहुत डिमोटिवेशन होता है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर रख लो, और वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि हमें जो है ना और ज्यादा बेनिफिट रहेगा, मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा वीडियो डालने का। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के ही बारे में बात करूंगा, तो जो भी लीक निकल के आई है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहली चीज, अगर मैं इसके प्राइमरी लेंस के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर लीक है कि 200 मेगापिक्सल का हमें सैमसंग का आइसोसेल HP2 जो है ना वो प्राइमरी लेंस देखने को मिल सकता है। अब यहां पर ऑब्वियसली जो इसमें सेंसर है वो काफी जबरदस्त हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर मैं इसके सेकेंडरी लेंस के बारे में बात करूंगा तो इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, और इसमें जो है ना दोस्तों सोनी का IMX564 सेंसर हमें देखने को मिलता है। साथ ही में गाइस अगर मैं बात करूंगा थर्ड लेंस के बारे में तो यहां पर हमें 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है जो कि 3x की ऑप्टिकल जूम पे रहेगा, और इसमें भी हमें सोनी का IMX764 सेंसर देखने को मिलता है। जी हाँ, मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली एडवांस सोनी का सेंसर में देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसके फोर्थ लेंस के बारे में बात करूंगा जो कि मेन लेंस है ऑब्वियसली क्योंकि पेरिस्कोपिक लेंस है वो, और इसमें आप जो है ना वो 10x तक ऑप्टिकल जूम कर पाओगे, लेकिन अगर सेंसर के बारे में देखेंगे तो इसमें IMX764+ सेंसर में देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा ये जितने भी कैमरा डिटेल्स है ना गाइज ये बिल्कुल एकदम सेम है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के लिए। जी हाँ दोस्तों, मतलब यहाँ पर दोस्तों फाइनली लीक ये है कि सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में जो हमें कैमरा डिटेल्स देखने के लिए मिलती है वही सेम कैमरा डिटेल्स हमें सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में भी देखने के लिए मिलेगी। आप शॉक्ड रहोगे लेकिन गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि ये बात सही है और काफी लेजिटिमेट सोर्स से ये चीज निकल के आई है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अदरवाइज यहां पर देखिए एक ही चेंज हमें फिलहाल के लिए देखने के लिए मिल सकता है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में, जो हमें पेरिस्कोपिक लेंस मिला था उसमें सोनी का IMX764 सेंसर था, लेकिन S24 अल्ट्रा के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सोनी का IMX764+ सेंसर में देखने को मिलेगा, व्हिच मींस कि इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। मतलब जैसे कि आपने सुना होगा स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 प्रोसेसर है, अगर उसको कंपनी थोड़ा सा अपग्रेड करेगी तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1+ हो जाता है, तो इसी हिसाब से गाइस कुछ इतना ज्यादा जो है ना दोस्तों में चेंज देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर गाइस मुझे बात बताइए कि आपको ये चीज डिसअपॉइंटिंग वाली नहीं लगती है, क्योंकि सैमसंग एस सीरीज के जो फोन्स है वो कैमरा में भी काफी जबरदस्त होते हैं। ऑब्वियसली S23 अल्ट्रा में जो हमें कैमरा डिटेल मिलती है वो अगर आप कंपेयर करोगे S22 अल्ट्रा से तो काफी अमेजिंग है, HDR पे काफी अच्छा काम किया है, सेंसर्स बहुत इंप्रूव्ड है, लेकिन यहां पर अगर ज्यादा कुछ चेंजेस हमें नहीं देखने के मिलेंगे S24 अल्ट्रा में तो फिर क्या डिफरेंशिएट कर पाओगे आप सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा से। अब यहां पर गाइस देखिए, अगर आप मार्केट में दूसरे फोन्स को देखोगे तो सबसे बड़ा जो कंपटीटर सैमसंग का है ऑब्वियसली वो एप्पल है, और एप्पल और सैमसंग दोनों ही दोस्तों अपने फ्लैगशिप सीरीज में काफी बड़े कंपटीटर एक दूसरे के। अब यहां पर अगर कोई भी एक कंपनी जरा सा भी लैग करती है तो वो बहुत एकदम बेकार बात हो जाती है उस पर्टिकुलर मतलब यूजर के लिए जो कंपनी के फोन्स को यूज करना पसंद करता है। लेकिन अगर आप यहां पर दूसरे फोन्स के बारे में कंपेयर करते हो तो यहां पर Xiaomi 13 Pro है, Xiaomi 13 Ultra है, Google Pixel 7 Pro है, ये सब ऐसे एंड्रॉइड के फोन्स है जिसमें आउटस्टैंडिंग कैमरा में देखने मिलता है, किसी का सेंसर साइज अच्छा है तो किसी का स्मार्ट कैमरा है, किसी में ऑब्वियसली पिक्चर क्लैरिटी काफी अमेजिंग होती है। तो यहां पर अगर कंपनी अपने फ्लैगशिप सीरीज में ही कोई भी कैमरा को अपग्रेड नहीं करेगी तो उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है, मतलब वो नई सीरीज को लॉन्च करने का। मतलब यहां पर एक यूजर 1 lakh 1 lakh 15,000 20,000 45,000 प्रोवाइड करेगा और उसके बाद में उसको सिर्फ अगर एक ही सेक्शन अच्छा मिलता है
मिलता है जो कि हार्डवेयर और एक सेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता, तो इससे अच्छा वो यूजर कोई फ्लैगशिप फोन क्यों लेगा, फिर वो कोई दूसरा फोन क्यों नहीं लेगा जो उसको सेम फीचर जो है वो 50-60,000 में मिल जाता। अब यहाँ पर गाइस देखिए एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये काफी अर्ली लीक हो जाती है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को लेके, लेकिन गाइस यहाँ पर मैं ये चीज बता देता हूँ कि जो लीक आ रही है वो काफी लेजिटिमेट सोर्स आइस यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, तो ऑब्वियसली इस लीक को देखना तो मतलब इस पे गौर करना तो बनता ही है यार। वैसे गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि ये कैसी अपडेट है, सैमसंग को ऐसा कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या सैमसंग को जो ना बेटर अपडेट्स और प्रोवाइड करने चाहिए, आप कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कंपनी शायद कुछ इतने खास अपग्रेड्स कैमरा डिपार्टमेंट में नहीं करेगी, लेकिन हाँ 100x की जगह 150x डिजिटल रूम शायद मिल सकता है। तो गाइस इसी तरीके अगर आपको वीडियोस देखना पसंद है जिसमें लीक्स रूमर्स अच्छे से एक्सप्लेन किए जाए आपको ज्यादातर फोन्स के, आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।